मेरी बात करें तो मेरे चैनल की अर्निंग कितनी, बहुत से लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछे कि भैया आपकी अर्निंग कितनी है यार, लाइफ टाइम की आपने कितना कमा चुके। अब मेरी बात करें तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था कब, अप्रैल को, मैंने 14 अप्रैल को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, देन इसके बाद अभी तक की अर्निंग पूरी शो करूंगा। अब बहुत से लोगों ने बोलते कि भैया बहुत अर्निंग हो जाती है टेक चैनल में और मेरे कितनी हुई है, आप देख के चौंक जाओगे कि भैया मेरी इतनी सारी अर्निंग हुई है। अब ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग का सिस्टम कैसे चलता है कि भैया आपके चैनल पे व्यू कैसे आ रहे हैं, व्यू के हिसाब से आपको अर्निंग होगी इतनी ज्यादा। तो मैं आपको अर्निंग शो करूंगा, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना है, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहली बात बता दूं, मैं हर एक महीने की अर्निंग शो करूंगा, अभी ये करंट में कितनी अर्निंग चालू है और लास्ट मंथ में कितनी हुई, उससे पहले कितनी हुई, सब कुछ यहां पर शो करूंगा। ये मेरा जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहां पर सबसे पहले ये लास्ट 28 डेज में कितना 77,000 व्यू आ चुके हैं, और यहां पर वॉच टाइम की बात करें तो 2000 के आसपास घंटे मिल चुके हैं मेरे को। देन इसके बाद सब्सक्राइबर, यानी ये महीने में सब्सक्राइबर गेन किया हूं 500 के आसपास, बहुत बढ़िया, यानी ग्रोथ रेट अच्छा है मेरा, और ये पूरा का पूरा अप है, अब ये डाउन कुछ भी नहीं है। अब लास्ट 28 डेज की बात करें तो मैं आपको अर्निंग शो करूंगा, आप देख के सट रह जाओगे कि भैया इतनी सारी अर्निंग कैसे, आपका टेक चैनल है, टेक चैनल में इतना अर्निंग होता है क्या। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में जाते हैं कि भैया हमने जो चैनल मोनेटाइज किया था, यानी अप्रैल में हुआ था 14 अप्रैल को, तो यहाँ पर सबसे पहले अप्रैल का जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेते 2022 का, तो यहाँ पर मैं अप्रैल मंथ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको पूरी अर्निंग दिखेंगी, यानी अप्रैल में कितनी अर्निंग हुई, अप्रैल में जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो तब की अर्निंग शो हो रही है यहाँ पर $625, और अप्रैल की बात करें तो मेरे व्यू आए थे कितने 13,600, और उसके बाद वॉच टाइम मिला था मेरे को 400 घंटे, देन इसके बाद सब्सक्राइबर उस टाइम 96 हुए थे। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके देखे इंडियन रुपीज में तो इतना होता है, इतना यानी पहले ही मंथ में इतना सारा पैसा, बहुत बड़ी चीज है। देन इसके बाद सेकंड मंथ की अर्निंग शो करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो तो मैं वाले इसमें क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं मंथ की अर्निंग कितनी हुई, और यहाँ पर व्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी 1,00,000 के आसपास व्यू आए, यानी 90,000 यहाँ पर व्यू दिख रहे हैं, 2,600 घंटे वॉच टाइम। उसके बाद सब्सक्राइबर मेरा उस महीने में 618, देन इसके बाद यहाँ पर अर्निंग शो हो रही कितनी $2,977, वाओ यार इतनी सारी अर्निंग। तो इसको कन्वर्ट करके देखें तो 1,00,000 के ऊपर जाता है, इतना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, जो करंट चालू है, तो करंट में मेरा अर्निंग कितना है, तो यहाँ पर मई के बाद आता है जून, तो जून पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा अर्निंग, तो यहाँ पर बात करें तो अभी व्यू डाउन है, 33,000 व्यू है, और इसके बाद वॉच टाइम इतना है, देन इसके बाद सब्सक्राइबर इतने आए। ये महीने में मेरी उतनी सारी वीडियो वायरल नहीं हुई जो इसके पहले महीने में हुई थी, तो यहाँ पर इसका टोटल डॉलर बन रहा है अभी चालू है करंट में, आज का 19 जून है, तो यहाँ पर दिखा रहा है $1,213, अगर कन्वर्ट करके बताए तो इतना। अब यहाँ पर टोटल लाइफ टाइम अर्निंग बताता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लाइफ टाइम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब करने के बाद मेरी यहाँ पर टोटल अर्निंग शो होने वाले, तो यहाँ पर टोटल अर्निंग $4,816, इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखो तो इतना, तो मैं लखपति क्या करोड़पति 10-20 लाख तो कमा ही लिया हूँ। अब मैं आपको एक्चुअल में रियलिटी बताता हूँ, अब ये होता कैसे, मैं बहुत से ऐसे चैनल है जो येड़ा बनाते हैं, येड़ा मीन्स पागल बनाते हैं, ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ पर देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखो मैंने जमेरिकन डॉलर सिलेक्ट करके रखा है, यह डॉलर के फॉर्म में ही दिखता है अपनी अर्निंग, आप रियल अर्निंग बता रहा हूँ कि रियल अर्निंग कितनी है। अब यहाँ पर ये जमेरिकन डॉलर्स मीन्स यानी एक डॉलर जो यूएस का एक डॉलर रहता है, ये $100 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने सेटिंग से करते हैं कि भैया मेरी इतनी अर्निंग होगी, मेरी उतनी अर्निंग होगी। अब मैं आपको यूएस डॉलर में सिलेक्ट करके मेरी अर्निंग बता दूं कितनी अर्निंग हो चुकी है। अब यूएस डॉलर ठीक है, मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ, आपको अर्निंग ही शो हो जाएगी ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट मंथ की अर्निंग, तो अप्रैल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ 14 अप्रैल को, तो अप्रैल में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर शो होगा आपको कितना डॉलर बना था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर $4 बना था। और उसके बाद अगर मई महीने की बात करें तो मई महीने में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डॉलर बन गया, क्योंकि मेरे व्यू अच्छे खासे आए थे, $19 बना। देन इसके बाद अभी जून चालू है, जून का देखो अभी करंट में चालू है, तो करंट में इतना डॉलर बना है, कितना बना है $7.89 अभी एंड होने का है ये मंथ, तो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल लाइफ टाइम अर्निंग की बात करें तो $31 हुई है मेरी लाइफ टाइम अर्निंग है ये, और मेरे चैनल का आरपीएम भी बताऊंगा आरपीएम कितना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे चैनल में उतने व्यू नहीं आ रहे, 2 से 2,500 सब्सक्राइबर है,
तो उतने व्यू नहीं आ रहे। अगर मेरे सब्सक्राइबर 1 से 1.5 लाख रहते थे तो यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए अर्निंग रहती थी मेरी, लेकिन यहाँ पर $31 है टोटल लाइफ टाइम अर्निंग की बात कर रहा हूँ, और इसको कन्वर्ट करके देखे तो इतना रुपए होता है। यानी अप्रैल से लेके अभी तक मैंने इतना कमाया क्योंकि मेरे चैनल पे उतने व्यू नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर बहुत से लोग येड़ा बनाते हैं, तो मैं येड़ा नहीं बनाता, मैं सिंपली रियलिटी बताया हूँ। और यहाँ पर देखो डिमोटिवेट नहीं होने का है, क्योंकि देखो ये व्यू के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि ये व्यू कैसे आएंगे। अब मैं टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इसमें व्यू बहुत कम आते हैं, यानी 2000 सब्सक्राइबर रहे तो 200 व्यू आ गए, बहुत अच्छे व्यू बोलते हैं उसको। तो इस कारण मेरा इतना अर्निंग है। अगर मेरा सब्सक्राइबर अभी अच्छा खासा बन गया तो उस दिन देखना अर्निंग बहुत जबरदस्त रहेगी। तो ऐसी वीडियो के लिए सिंपली लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना।